जेडीयू सांसद कौशलेंद्र ने बजरंग दल को बैन करने की मांग के बाद बिहार में एक बार फिर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। जेडीयू सांसद के इस मांग पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच बजरंग दल को लेकर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी का बड़ा बयान आया है। मुकेश साहनी ने कहा कि बिहार में बजरंग दल को बैन करने की जरूरत नहीं है। बिहार में बजरंग दल ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे बजरंग दल को बैन किया जा सके। सब सरकार सक्षम है, सरकार को जो उचित है वो करे। अब इस पे हम क्या टिप्पणी देंगे? गलत काम करने वाला व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति हो तो उसको सरकार रोकना चाहिए, और गलत नहीं करता तो सरकार को भी काम है कि उसको रोकना नहीं चाहिए। ये सारे चीजें अभी क्या आधार पे क्यों बंद करे, इससे ये सब तो हम लोग को जानकारी नहीं है। और लगता है मुझे बिहार में बजरंग दल का ऐसा कोई घटना नहीं है कि जो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, और किसी अन्य राज्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार में मुझे नहीं लगता ऐसी आवश्यकता है। सब अपने अपने संगठन दल है और काम कर रहा है, और सब संगठन जो होता है, सरकार हो प्रशासन हो, जब कंट्रोल हो जाता है तो संगठन और जो दल है यही लोग काम आता है जनता के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि किसी संगठन को बिहार में बंद कर। वहीं बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार में विरोध किए जाने को लेकर मुकेश साहनी ने कहा कि सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। बाबा के आने से और उनके चमत्कार से बिहार का विकास होता है, तो बाबा को आना चाहिए। जो लोग बाबा बागेश्वर को बिहार में आने को लेकर विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो हिम्मत क्या है बिहार में? तो हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि बिहार देश हमारा भारत है, इसमें हर जगह पे किसी को भी कहीं पे जाने की आवश्यकता है और जा सकता, कोई रोक कहाँ रहा है? और जबरदस्ती अगर उसको इस तरीके से बोले कि किसी का हिम्मत नहीं है तो ये सही नहीं है। किसी को क्यों कोई रोकेगा? कोई आधिकारिक कोई सरकार के तरफ से या किसी व्यक्ति के पर है कोई चिट्ठी की रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। और जबरदस्ती बोले कि हम नहीं रोकेंगे, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा आए, प्रवचन दे, समाज को जोड़ने का काम करे, और उनके पास सुने हैं, टीवी में देखते हैं कि दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति से कुछ बिहार में चमत्कार हो सकता है, बिहार के जनता का कल्याण हो सकता है, बिहार के युवा जो बेरोजगार है उसको नौकरी मिल सकता है। तो बाबा से यही आग्रह करें कि नौकरी का व्यवस्था कैसे हो, बिहार से गरीबी कैसे दूर हो, बिहार के लोग बाहर न जाए, अपने राज्य में कैसे काम हो, यहाँ पे जो सरकार में गलत लोग काम है या पदाधिकारी में गलत हो उसको अच्छा से बुद्धि हो, ये सब चीज बाबा अपना करे, ठीक है, बाबा को कोई नहीं रोक। मुकेश साहनी मुजफ्फरपुर के दौरे पर थे। कुछ दिन पहले जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा शराब मामले में गिरफ्तार करने गए पुलिस ने एक महिला के साथ बर्बरता पूर्वक पिटाई की थी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में कई दिन बीत जाने के बावजूद दोषी पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी को लेकर मुकेश साहनी मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे थे।